प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचेता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड के टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत उसकी प्रासंगिकता एवं सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता के बारे में अध्ययन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ एक वैश्विक संस्था है। 51 देशों के साथ अपने सफ़र की शुरुआत करने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ अब एक विशाल परिवार बन चुका है। इसमें आज 193 सदस्य हैं, लेकिन दबदबा हमेशा 5 स्थायी सदस्यों का ही रहा है। इसके कारण अब विश्व निकाय में बड़े सुधार की आवश्यकता बताई जा रही है। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये 5 देश मिलकर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कहलाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में इन्हीं देशों की तूती बोलती है। संयुक्त राष्ट्र की ताकत सुरक्षा परिषद में है और सुरक्षा परिषद के सदस्यों की असल ताकत वीटो शक्ति में है। किसी भी मुद्दे पर किसी एक सदस्य के वीटो का मतलब है कि बात आगे नहीं बढ़ेगी और वह मुद्दा हमेशा के लिए वहीं समाप्त हो जाता है, चाहे वो कितना भी महत्व का क्यों ना हो। भारत के दलवीर भंडारी 2018-27 के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। यह भारत की एक कूटनीतिक जीत मानी जा रही है और कहा जा रहा है कि इससे भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी, साथ ही सुरक्षा परिषद की संरचना में सुधारों का मुद्दा एक बार पुनः चर्चा में आ गया है। हम संक्षिप्त में देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में हुआ था। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्व युद्ध के बाद के शक्ति संतुलन को प्रदर्शित करती है। गौरतलब है कि इन स्थायी सदस्यों के अलावा 10 अन्य देशों को 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। स्थायी और अस्थायी सदस्य बारी बारी से एक एक महीने के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अस्थायी सदस्य देशों को चुनने का उद्देश्य सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन कायम करना है। इस अस्थायी सदस्यता के लिए सदस्य देशों में चुनाव होता है। इसमें 5 सदस्य एशियाई या अफ्रीकी देशों से, 2 दक्षिण अमेरिकी देशों से, 1 पूर्वी यूरोप से और 2 पश्चिमी यूरोप या अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। अब सवाल उठता है कि सुरक्षा परिषद में सुधार आवश्यक क्यों है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की भू राजनीतिक संरचना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वर्तमान में भी द्वितीय विश्व युद्ध के समय की भू राजनीतिक संरचना को दर्शाती है। परिषद के 5 स्थायी सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन को 7 दशक पहले केवल एक युद्ध जीतने के आधार पर किसी भी परिषद के प्रस्ताव या निर्णय पर वीटो का विशेषाधिकार प्राप्त है। व्यापक विस्तार का अभाव है इसमें। विदित हो कि सुरक्षा परिषद का विस्तार 1963 में 4 गैर स्थायी सदस्यों को इसमें शामिल करने के लिए किया गया था। तब 113 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य थे, लेकिन आज इनकी सदस्य संख्या बढ़कर 193 तक हो गई है। फिर भी आज तक इनका विस्तार नहीं किया गया है। शक्ति संतुलन की अनुचित व्यवस्था। सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना कम से कम 50 वर्ष पहले की शक्ति संतुलन की व्यवस्था पर बल देती है। उदाहरण के लिए यूरोप, जहाँ की दुनिया की कुल आबादी का मात्र 5% ही निवास करता है, उसको सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के तौर पर सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है।
जैसा कि हम देखते हैं ब्रिटेन, फ्रांस आदि देश यूरोप से ही आते हैं। अन्य कारण गौरतलब है, अफ्रीका का कोई भी देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, जबकि संयुक्त राष्ट्र का 50% से अधिक कार्य अकेले अफ्रीकी देशों से संबंधित है। पीस कीपिंग अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद मौजूदा सदस्यों द्वारा उन देशों के पक्ष को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसका जीता जाता उदाहरण भारत है, जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा अभियानों में बढ़ चढ़कर धन और सेना से सहायता की है। अब सवाल है कि भारत को क्यों मिलनी चाहिए सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता। भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए क्योंकि भारत 1.3 बिलियन की आबादी और $1 ट्रिलियन से भी अधिक की अर्थव्यवस्था वाला एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। यह संयुक्त राष्ट्र अभियानों में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश है। जनसंख्या, क्षेत्रीय आकार, GDP, आर्थिक क्षमता, संपन्न विरासत और सांस्कृतिक विविधता, इन सभी पैमानों पर भारत खरा उतरता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की विदेश नीति ऐतिहासिक रूप से विश्व शांति को बढ़ावा देने वाली रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न समूहों की भी मांग सुरक्षा परिषद में सुधार की रही है, जैसे G4 समूह। भारत, जर्मनी, ब्राज़ील और जापान ने मिलकर G4 नामक समूह बनाया है। ये देश संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। G4 समूह का मानना है कि सुरक्षा परिषद को और अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, न्यायसंगत व प्रभावी बनाने की ज़रूरत है। L69 समूह, भारत, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के करीब 45 विकासशील देशों के एक समूह की अगुवाई कर रहा है, जिसे L69 समूह के नाम से संबोधित किया जा रहा है। L69 समूह ने UNSC अर्थात सुरक्षा परिषद में सुधार मोर्चा पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अफ्रीकी समूह, जिसमें 54 देश शामिल हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की वकालत करने वाला दूसरा प्रमुख ग्रुप है। इस समूह की मांग है कि अफ्रीका के कम से कम 2 राष्ट्रों को वीटो की शक्तियों के साथ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। अब इसी मुद्दे पर आगे की क्या राह है। संयुक्त राष्ट्र के नियमों में कहा गया है कि 5 सदस्यों की स्थायी परिषद की संरचना को बदलने के लिए पहले संयुक्त राष्ट्र का चार्टर बदलना होगा। चार्टर में बदलाव है तो सुरक्षा परिषद के वर्तमान 5 स्थायी सदस्यों सहित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2/3 समर्थन की आवश्यकता होगी और यह एक बहुत बड़ी बाधा है। अन्य विकल्पों की बात करें तो प्रसिद्ध राजनयिक किशोर महबूबानी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए 7-7-7 फार्मूले की वकालत की थी। इस फार्मूले के तहत 7 स्थायी सदस्य, 7 अर्ध स्थायी सदस्य और 7 गैर स्थायी सदस्य रखने की बात की गई है। 2004 में तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान के आदेश पर सुरक्षा परिषद में सुधार का एक खाका तैयार किया गया था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि बिना वीटो पावर के 6 नए स्थायी सदस्यों को और 3 गैर स्थायी सदस्यों को जोड़ा जाए। इस तरह के विकल्प आजमाए जाने चाहिए। निष्कर्ष, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता भारत को वैश्विक राजनीति के स्तर पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस के समकक्ष ला खड़ा करेगी। सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनते ही भारत पड़ोसी देशों श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान के मानवाधिकारों से संबंधित मामलों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ध्यान में ला सकता है। हिंद महासागर को शांति का क्षेत्र घोषित किया जा सकता है और यह चीन को उसकी विस्तारवादी नीतियों का माकूल जवाब होगा। अतः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत को गंभीर प्रयास करने चाहिए। अब हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। संयुक्त राष्ट्र अभी भी प्रासंगिक है।
दुनिया अभी भी परमाणु हमलों के अधीन है। जब तक कि संपूर्ण विश्व में परमाणु निरस्त्रीकरण नहीं हो जाता, तब तक विश्व परमाणु हमलों से सुरक्षित नहीं है। अफ्रीका में जातीय, धार्मिक और क्षेत्रीय संघर्षों में बढ़ोतरी हुई है। दुनिया की करीब एक तिहाई आबादी गरीब है, जिन्हें वैश्विक बहुपक्षीय एजेंसियों के ठोस विकास कार्यवाही की ज़रूरत है। धन वितरण में जारी असमानता और सभी क्षेत्रों में संतुलित और सतत विकास प्राप्त करने की आवश्यकता है। गैर देशी कारकों से आतंकवाद जैसे ISIS, अलकायदा आदि का बढ़ता खतरा, इन्हें रोकने के लिए देशों को समन्वित प्रयास करने होंगे, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से अधिक प्रभावी हो सकते हैं। आखिरकार आपस में जुड़ी दुनिया में कोई भी एक देश अकेला सभी समस्याओं को हल नहीं कर सकता, और वैश्विक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ अभी भी सर्वाधिक उपयुक्त संगठन है।